हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जो ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम अभी स्किल का टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसके कट ऑफ को लेकर। ऑलरेडी मैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस कर चुका हूँ, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि सर एक वीडियो पर्टिकुलरली इसके ऊपर बना दीजिए क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे स्टेनोग्राफर से या इसका टाइपिंग टेस्ट दिए। तो ये वीडियो फ्रेंड्स पर्टिकुलरली उसी चीज़ को बनाया, काफ़ी चीज़ों को डेटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ को देखते हुए वो सब सारी चीज़ों को कलेक्ट करके मैंने इस वीडियो को पर्टिकुलरली बनाया है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको एक देनी थी कि आज से फ्रेंड्स जो आपका वीडियो एग्जाम है और यूपीपी से 2018 से रिलेटेड मैं डेली एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और डेली आपको एक से दो वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। तो फ्रेंड्स जो वीडियो के कंटिन्यू अपडेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस करें ताकि आपकी वीडियो आपको आसानी से सबसे पहले मिलते रहे। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका और यहीं से मैं डिस्कस करूंगा सारी चीज़ों को। तो आप पेज पे ही देख रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2017-18। फ्रेंड्स यही कट ऑफ रहेगा। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद और स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद ये चीज़ मैंने बनाया है। तो ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम होगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ फ्रेंड्स कि ये जो कट ऑफ बनेगी आपकी, ये जो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी और स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड तीनों स्टेज के एग्ज़ाम को मिला के बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से सारी चीज़ों को। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपकी जो टोटल वैकेंसी थी आपकी 543 थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो स्किल टाइपिंग टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाया गया था इसके 5 times को नियर अबाउट 3200 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, लगभग 6 गुने के आसपास में। तो ठीक है फ्रेंड्स, फुल डिस्क्रिप्शन में बारी बारी से दे देता हूँ आपको। यहाँ पे देख रहे होंगे आपको कि स्टेज जो फर्स्ट का एग्ज़ाम था वो आपका रिटेन एग्ज़ाम था, 100 marks थे और जो कट ऑफ थी सब लोगों की आपको पता ही होगा, इसके वीडियो में बना ही चुका हूँ। स्टेज टू का जो होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में होगा वो 50 marks का होगा, जिसमें हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगी आपकी 25 words per minute की और उसके लिए 25 marks का, जैसे ऑलरेडी ग्रुप सी में जैसे हुआ है। और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए जो 30 words per minute का होगा 25 marks का। आगे देखते हैं फ्रेंड स्टेज थर्ड में क्या प्रोसेस है। स्टेज थर्ड में प्रोसेस है फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जी है फ्रेंड्स, जिसको आप शॉर्ट हैंड बोलते हैं। इसके लिए मैक्सिमम जो मार्क्स रखे गए हैं वो 50 marks रखे गए हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं चलिए मैं बारी बारी से आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। इसमें फॉर हिंदी 80 words per minute आपको शॉर्ट हैंड में हिंदी में टाइपिंग करनी है और 30 words per minute उसी पैसेज को जो है आपको कंप्यूटर पर टाइप करना है हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश के लिए आपको 100 words per minute शॉर्ट हैंड में टाइप करना है इंग्लिश में और जो 40 words per minute है उसी मैटर को आपको इंग्लिश में टाइप करना है कंप्यूटर पे। ये थे आपके दोनों प्रोसेस फ्रेंड्स जिसके अकॉर्डिंग वो आपका वो बनेगा। चलिए फ्रेंड आगे चीज़ बताते हैं आपको। जो फाइनल कट ऑफ है विल बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज फर्स्ट प्लस स्टेज सेकेंड प्लस स्टेज थर्ड, दैट्स मीन उसका जो फुल मार्क्स होगा 100 + 50 + 50 दैट्स मीन 200 का फुल मार्क्स होगा। अप्रॉक्स जो 3200 स्टूडेंट कॉल फॉर टाइपिंग टेस्ट, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बता दिया। तो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ 2014 फ्रेंड्स, मैंने कुछ एनालिसिस की इसके अकॉर्डिंग में चीज़ों को कुछ आपको बता देता हूँ कि कितने माइनर डिफरेंस से भी इसकी भी कट ऑफ बनती है और बनी भी है प्रीवियस ईयर्स में। तो कैटेगरी में और हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफाइन कर लो क्योंकि एक चीज़ आपको चूज़ करनी होती है, चाहे हिंदी में करो तो आपको पूरा मैटर्स हिंदी में शॉर्ट हैंड या वो जो कंप्यूटर पर करना पड़ेगा और इंग्लिश के लिए अलग। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में से एक चीज़ को आप चूज़ करना होगा। तो इसमें मैं बता दूँ फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी की जो हिंदी में कट ऑफ गई थी 2014 में, यहाँ मैंने राइट कर दिया है, 2014 में जो कट ऑफ थी फ्रेंड्स 104.29 और इंग्लिश की जो कट ऑफ थी उससे कम जाती क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर बच्चे हिंदी में शॉर्ट हैंड की टाइपिंग मारते हैं इसलिए उनको हिंदी ही करना होता है कंप्यूटर पे, तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है इंग्लिश की अपेक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश में गई थी आपकी 95.91, ओबीसी में थी 96.98, हिंदी में 88.42, ये था आपका इंग्लिश में। ये डायरेक्ट मैंने आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से फ्रेंड्स निकाला है, काफ़ी डाटा कलेक्ट किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसको बनाने में। और एससी की जो कट ऑफ थी फ्रेंड्स 2014 में हिंदी में 49.79 46.03, एसटी की कट ऑफ जो हिंदी की थी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि वहाँ पे एक मार्क्स बना हुआ है यहाँ माइनस का कि ये कंफर्म नहीं हो पाया कि -102.5 है क्योंकि इनकी जो सीट होती बहुत ही कम होती है इसलिए बच्चे मिलते नहीं इसको, तो हो सकता है इसकी कट ऑफ इतनी वो में गई हो, लेकिन
इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको मैं गोरा कर देता हूँ, कंफर्म नहीं है इस चीज़ को, और आगे चीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ। 46.64 इंग्लिश में गई थी, DFF 47.12, 62.32 इंग्लिश में, PH के लिए गई थी आपकी फ्रेंड्स 59.16 और 68 to 80 के बीच में, 68.80 आपकी गई थी किसकी, इंग्लिश में। स्पोर्ट पर्सन के लिए फ्रेंड्स था इसमें 45.38 हिंदी में, 62.79 इंग्लिश में था। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ था, 2014 वाली वैकेंसी में एक्स सर्विस मैन जो थे वो सेलेक्ट नहीं हुए थे, या उनके लिए शायद स्पेशल कुछ वैकेंसी नहीं थी, तो ये चीज़ था इसमें, लेकिन इसमें कुछ प्रोविज़न है, इसमें कुछ सीट है। चलिए फ्रेंड अब बारी आती है उसकी, उस चीज़ को लेकर जिसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने इस पूरी वीडियो को बनाया, तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा। फाइनल जो कट ऑफ है आपकी जनरल कैटेगरी को, मैं और एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे जो आपकी टाइपिंग टेस्ट हुई थी एज कम्पेयर टू या एज से मैं जैसे ग्रुप सी की हुई थी, तो फ्रेंड्स 50 में से उम्मीद करता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट का 40 होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था। और जो शॉर्ट हैंड की थी आपकी फ्रेंड्स, तो उसमें 50 में 30 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 40 और 30 70 मार्क्स आपके वहीं से मिलते हैं, और उस चीज़ को एडिशन करके मैंने इसको बनाया। जनरल कैटेगरी में फ्रेंड्स मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कट ऑफ इसी के बीच में लाई करेगी। जनरल के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 128 to 135 हिंदी में, और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए जो इन्होंने इंग्लिश में टाइप किया है शॉर्ट हैंड, और 120 से 128 के बीच में। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ्रेंड्स 120 to 130 के बीच में हिंदी टाइप करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, और 118 से 125 के बीच में है आपका क्या जो इंग्लिश टाइपिंग की है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ मैंने बनाया है 110 से 118 के बीच में रहेगी, और इंग्लिश अभ्यर्थियों के लिए 108 से 120 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे डिस्कस कर लेते हैं। ST के लिए 95 to 105 हिंदी अभ्यर्थियों के लिए, और इंग्लिश अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इंग्लिश में टाइपिंग किया शॉर्ट हैंड में 90 to 105 कंपेयर उसी के जैसे किया जाएगा, थोड़ा सा कट ऑफ इंग्लिश वालों की कम रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 110 से 118 के बीच में, ज़्यादातर इनका ST के वो में लाई करता है, क्योंकि एक चीज़ है अभी नीचे में मैंने नोट में दे दिया इसका कि 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है इनकी सीट के लिए, और 105 से 115 के बीच में इंग्लिश वालों की कट ऑफ रहेगी फीमेल में। DFF एंड PH फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 95 to 108 हिंदी अभ्यर्थियों के लिए, और 90 से 105 के बीच में इंग्लिश अभ्यर्थियों के लिए। फ्रेंड्स नोट में दे रखा है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया आपको कि देयर आर 20% हॉरिजॉन्टल सीट रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी का 20% के लिए सीट रिजर्व रहेगी, और खास करके इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी में रहती है। तो ये थे पूरे फ्रेंड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी करनी है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, जैसे कि मैं सारे वीडियो में आपके हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, तो उस सारे क्वेश्चन का आपका जवाब मिलेगा। अपने मार्क्स को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और एनालिसिस करें वीडियो पूरा देखने के बाद कि आपके जो मार्क्स है इसके बीच में लाई कर दें। बेस्ट अलग फॉर योर फाइनल रिजल्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।